हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे कोटेक्स में एवरी 1 मिनट की श्योर शॉट ट्रेड आप लोग विन कर सकते हो, एंड कैसे इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप लोग एवरी 1 मिनट की श्योर शॉट ट्रेड विन कर सकते हो। ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है एंड काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। एंड इस वीडियो में मैंने आप लोगों को A to Z सिखाया है कि कैसे हम लोग जो है इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं एंड कैसे आप लोग जो है इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके लाइव मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। एंड ये लिटरली गाइस, ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को सीख जाते हो तो आप लोगों का कभी भी लॉस नहीं होगा कोटेक्स में, एंड आप लोग जो है एवरी टाइम प्रॉफिट करोगे। तो ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है एंड कैसे जो है हम लोग चार्ट पर लाइंस को ड्रॉ करके ट्रेड करते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे चार्ट पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, एंड मैं आप लोगों को इन्हीं लाइंस को यूज़ करना बताऊंगा कैसे जो है इन लाइंस को यूज़ करके आप लोग चार्ट पर ट्रेड करते हो। देखो, काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ जो है इंडिकेटर्स या फिर कुछ चीज़ें यूज़ करके जो है ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे कि हर टाइम अगर आप लोग उस चीज़ों को यूज़ करते हो तो उससे आप लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को नई वीडियो में, मैं आप लोगों को एक तरीके का आप लोग कह सकते हो कि ये कोर्स वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग चार्ट पर लाइंस को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करके ट्रेड करते हैं। अभी आप लोग देखोगे कि जिन लेवल पे मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी हुई है, जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है वहीं से मार्केट जो है रिवर्स गया है, एंड जहाँ पर मैंने नीचे डाउन साइड में लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से मार्केट जो है अप साइड के लिए गया है। तो ये लाइंस कैसे वर्क करती हैं एंड कैसे जो है आप लोग इसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करोगे, बेसिकली ये वीडियो है आप लोगों को बताएगी कि कैसे जो है अगर आप लोग लाइंस को ड्रॉ करना सीख जाते हो तो आप लोग पता लगा सकते हो कि कहाँ पर आपको बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है एंड कहाँ पर आपको सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को गूगल पे ले चलता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखोगे एक इमेज मैंने आप लोगों को खोली जिसमें मैं आप लोगों को बताना है कि कैसे, देखिए यहाँ पर सपोर्ट में आप लोगों को ट्रेड करना है एंड कैसे आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस पर ट्रेड करते हो। देखो, सपोर्ट वो एरिया होता है, देखिए ये सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये सपोर्ट है आपका, तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ से प्राइस जो है आपका बार बार रिडेक्स कर रहा है, मतलब सपोर्ट एरिया। जैसे देखिए फर्स्ट टाइम इस लेवल से मार्केट जो है रिडेक्शन कर लिया एंड मार्केट का मोमेंटम देखोगे तो आप ऊपर साइड के लिए गया, सेकेंड टाइम उसी लेवल पर मार्केट आया एंड रिडक्शन लिया, फिर मार्केट का मोमेंटम आप देखोगे ऊपर साइड के लिए, अप साइड के लिए गया, मतलब इस एरिया को कहते हैं सपोर्ट, जहाँ से बार बार प्राइस रिडक्शन कर रहा है। उसी केस में आप देखोगे ये है आपका रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया वो एरिया होता है जहाँ से देखिए फर्स्ट टाइम जो है कैंडल आई और प्राइस जो है आया और रिडक्शन लिया, सेकेंड टाइम जब उसी लेवल पर आएगा तो वहाँ से भी प्राइस रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करनी होती है, देखिए ट्रेड करने के लिए सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा मेथड है। जिस लेवल पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर कैंडल ने सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, तो जब सेकेंड टाइम उसी लेवल पर कैंडल आएंगी तो यहाँ पर आपको ट्रेड करनी होती है। फर्स्ट टाइम उसने सपोर्ट ले लिया तो आपको सेकेंड टाइम वहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड करनी होती है बाय डायरेक्शन में अप साइड के लिए। उसी केस में आप रेजिस्टेंस में भी वैसे ही ट्रेड करते हो, जैसे ही रेजिस्टेंस कोई मार्केट या कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने रिडक्शन लिया, ठीक, फर्स्ट टाइम इसने रिडक्शन लिया, सेकेंड टाइम जब उसी लेवल पर मार्केट आएगा, उसी लेवल पर मार्केट आएगा और वहाँ पर टच करेगा, उसी से सेकेंड टाइम पे आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड करनी है, मतलब सेल डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। तो देखोगे फर्स्ट टाइम रिडक्शन लिया इसने और सेकेंड टाइम आपने वेट किया, उसी लेवल पर मार्केट आया, वहाँ पर आपने बाय डायरेक्शन की ट्रेड करी। उसी केस में आपने रेजिस्टेंस में फर्स्ट टाइम इसने रिडक्शन लिया, जब सेकेंड टाइम उसी लेवल पर आया तो यहाँ पर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड करोगे, तो देखो मार्केट वहीं लेवल से जो है डाउन के लिए फॉल कर गया। तो ऐसे तरीके से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करता है। अब हम लोग जो है लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड करके आपको दिखाएंगे कि लाइव मार्केट में हम लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करके कैसे ट्रेड करते हैं एंड कैसे जो है आप लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे। तो अभी आप देखोगे कि लाइव मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है एंड मार्केट जो है काफ़ी अच्छे कैंडल्स को फॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पर अभी मैंने जो है यूरो ECHF का चार्ट ओपन किया एंड मुझे यहाँ पर एक एंट्री दिख रही है, अप साइड के लिए मैंने कुछ ट्रेड प्लेस कर दी है। एंड मैं थोड़ा जूम करके आप लोग दिखाता हूँ मैंने आप लोग को यहाँ पर ट्रेड क्यों प्लेस करी है। तो आप लोग देखोगे कि मैं यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एक सपोर्ट टाइप का बना हुआ है एंड सपोर्ट पर आप लोग देखोगे प्रीवियस में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल बनी हुई है
एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल में आप लोग देखोगे मार्केट का पैटर्न भी क्या है, मार्केट जो है अभी करंटली हायर हाइज के पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पर से जो है एक ग्रीन कैंडल का फॉर्म हो सकती है, क्योंकि देखोगे कि प्रीवियस में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है एंड उसमें कोई भी रिडक्शन आपको देखने को मिल नहीं रहा है। एंड वो जो कैंडल है वो आप लोग देखोगे मारू बोजू टाइप की कैंडल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो मारू बोजू की बनती है वो भी ग्रीन ही होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस की एंड इसमें जो है इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया। एंड यहाँ पर हम लोग चलिए कुछ ट्रेड्स और भी फाइंड करते हैं जहाँ पर भी मुझे एंट्री दिखेगी। तो अभी आप लोग देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस पर जो है यहाँ पर कैंडल फॉर्म हो रही है एंड कुछ टाइम इस कैंडल को फॉर्म होने देते हैं एंड वेट करते हैं। अगर यहाँ पर इस लेवल को ये ब्रेक करती है रेजिस्टेंस को तो मैं यहाँ पर जो है बाई डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा एंड थोड़ा वेट करते हैं। सो देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल जो है एंड हो गई है एंड मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट कैंडल का। अगर ये थोड़ा उस लेवल को टच करती है, अगर जो इस लेवल पर मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है अगर उस लेवल को टच करती है तो मैं यहाँ पर बाई डायरेक्शन के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर कैंडल जो है डाउन साइड के लिए नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से ही बाई डायरेक्शन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑलरेडी आप देखोगे तो उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट आप लोगों को देखने को कहीं भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर से जो है मैं थोड़ा वेट किया, अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता तब भी मैं बाई डायरेक्शन के लिए जा सकता था। ऑलरेडी मार्केट जो है काफ़ी अच्छा मूव दिखा चुका है एंड काफ़ी बड़ी जो है उसने स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म कर दी है। लेट्स सी वेट करते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट होता है एंड क्या हमें प्रॉफिट होता है। थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है एंड मैंने जो है यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है अपर डायरेक्शन के लिए, थोड़ी लेट प्लेस हुई है मैंने आपको बताने के चक्कर में। सो यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं क्या प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो है मोमेंटम मुझे पता है कि यहाँ पर से जो है मार्केट को अप साइड के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे क्लियरली रीज़न है यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करता, प्रीवियस कैंडल इस लेवल को ब्रेक ना करती तो यहाँ से मैं डाउन के लिए जाता, लेकिन उसने ब्रेक कर दिया है सो यहाँ से मैं जो है अप के लिए जा सकता हूँ। एंड मैंने यहाँ पर देखिए अप के लिए ट्रेड प्लेस करी एंड इस ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो कंटिन्यू जो है हमने यहाँ पर दो ट्रेड जो है बैक टू बैक विन कर लिए। एंड आप लोग देखोगे करंटली अभी मार्केट जो है ब्रेकआउट कर चुका है एंड मार्केट जो है अपर के लिए ही कैंडल फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट ट्रेड भी हम लोग प्लेस करेंगे। उससे पहले गाइस अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो भी मेंबर्स अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोग क्यों कह रहा हूँ गाइस, मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को डेली के 3 to 5 सिग्नल्स कोटेक्स के प्रोवाइड करता हूँ फ्री में 100% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर आप ये लोग जो है फ्री के सिग्नल्स लेना चाहते हो कोटेक्स के तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ एंड यहाँ पर से जो है मुझे एक एंट्री लग रही है। एंड अभी आप देखो करंटली मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस एरिया के पास कैंडल को फॉर्म कर रहा है एंड इस कैंडल को फॉर्म करने देते हैं एंड वेट करते हैं। एंड अगर यहाँ पर ये कैंडल जो है रेड फॉर्म होती है तो मैं नेक्स्ट 1 मिनट के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर देखते हैं अगर इसे ब्रेकआउट यहाँ पर करता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट 1 मिनट के लिए अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पर से जो है मैंने कुछ ट्रेड प्लेस कर दी हैं अप साइड के लिए। एंड आप लोग क्लियरली रीज़न भी देख सकते हो मैंने क्यों ट्रेड आप बाई साइड के लिए की है। बेसिकली यहाँ पर मैंने आप लोग पहले बता दिया था यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती एंड मार्केट अगर इसको रिजेक्शन लेता रेजिस्टेंस के पास तो मैं यहाँ से जो है डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता था, लेकिन यहाँ पर से जो है ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ से जो है मैंने 1 मिनट के लिए अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। एंड आप लोग देखोगे कि एक टाइप का डब्लू का पैटर्न बन रहा है एंड डब्लू पैटर्न भी जो है इसी को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर से जो है मुझे आई थिंक लगता है कि यहाँ पर से जो है मार्केट को जो है एक ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए। लेट्स सी वेट करते हैं, थोड़ा टाइम बचा हुआ है एंड क्या रिजल्ट होता है वो आप लोग देखिए। सो यहाँ पर से कुछ टाइम बचा हुआ है एंड लास्ट के कुछ सेकंड बचे हुए हैं गाइस एंड इसको जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म करनी चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं एंड इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आई थिंक हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेड भी जो है हमारी यहाँ पर विन हो गई है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि क्लियरली उसी लेवल पे जहाँ पर से जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है एंड उसमें ब्रेकआउट आया एंड यहाँ पर से जो है इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया। तो बैक टू बैक हमने 3 ट्रेड विन कर ली है। नेक्स्ट ट्रेड के लिए एंट्री देखते हैं एंड यहाँ पर से जो है मैं बाई साइड के लिए ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। पहले मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ फिर मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर मैं जो है बाई साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया हूँ। देखो आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि आपको प्रीवियस में कौन सी कैंडल है, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है एंड इसको आप इवनिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हो। एंड डोजी कैंडल जब भी आपको सपोर्ट एरिया पर कहीं भी फॉर्म होती हुई देखती है तो उसके बाद जो डोजी कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से जो
जो मेन रीज़न था वो था डोजी कैंडल को देखना। एंड मैंने यहाँ पर डोजी कैंडल जैसे ही फॉर्म हो गई रेड कैंडल, सो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट 1 मिनट के लिए जो है अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। एंड थोड़ा वेट करते हैं एंड देखते हैं लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर से जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। एंड इस डोजी कैंडल को अगर आप देखोगे तो एज अ एक इवनिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी है जिसमें आप लोगों को एक रेड कैंडल, एक डोजी कैंडल और उसके बाद थर्ड कैंडल जो है आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से थोड़ा वेट करते हैं एंड इस ट्रेड में भी जो कि देखिए हमें प्रॉफिट हो गया। तो आज के हमने जो है 4 ट्रेड विन कर लिए एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर लिया है। एंड अगर देखते हैं अगर मुझे किसी और एसेट में कोई एंट्री देखने को मिलती है तो मैं यहाँ पर एक और ट्रेड प्लेस करूँगा, नहीं तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में कर लिया है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं, जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहीं भी ब्रेक होता है तो हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियरली समझा दिया है। एंड इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा जिसमें मैं आप लोगों को और भी कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा। एंड ये कोर्स जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो अभी जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड जो भी मेंबर्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक कोटेक्स में अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो कोटेक्स में अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मेरे लिंक के थ्रू कोटेक्स में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड मेरे साथ जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।